बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टी.एस. एलियट का जो द क्रिटिक टॉपिक है हमारे पास, इनके क्रिटिसिज्म के बुक है जिसके अंदर इनका एक ऐसे है द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये हमने देखना है टी.एस. एलियट ने ये किन हालात में लिखा था, क्यों इन्हें लिखने की जरूरत पेश आ गई थी। और ये द ईगोइस्ट में छपा था 1919 में उन्होंने ये ऐसे लिखा। ठीक हो गया। आपके पास यूनिवर्सिटी इसके बहुत से क्वेश्चंस रेज करती है और हर मर्तबा इसका क्वेश्चन आता है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। देखिए, आप ट्रेडिशन आएगी ना तो आपको पता चल जाना सिग्निफिकेंस पूछ रहा है हमसे, रिवायतों की अहमियत पूछ रहा है, थ्योरी ट्रेडिशन पूछ रहा है तो भी आपसे वो यही पूछ रहा है तारीख बताएं। ये उसने पूरी एक कोट आपको दे दी है। ये कोट आपको मिलेगी भी आपके इधर, आपके इसी सब्जेक्ट के अंदर, आपके इसी लेसन के अंदर ये कोट भी आपको मिलने वाली है। इस कोड के जरिए भी आपको देखेंगे तो बात ट्रेडिशन की ही कर रहा है। अब ट्रेडिशन के हिसाब से एलियट के व्यू पॉइंट्स आपने बताने, ये कितने क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने रेज किए हैं, सारे के सारे इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं किसका, एक इंडिविजुअल टैलेंटेड बंदे का और रिवायतों का। यानी बताता है कि ये जो आज का शायर है ना, इसका माजी के साथ रब्ता होना चाहिए, जो कुछ भी कर ले। शायर के काम के दरमियान ये एक हवाला देते हैं। हवाला कहते हैं कि जनाब रखो उसकी रिवायतों के साथ और उसके टैलेंट का हवाला रिवायतों के साथ रखो और वो शायर के काम से नजर आना चाहिए। आगे चलेंगे तो फिर बाद में हमें एलियट बताते हैं कि जनाब इनका और सिडनी का आपस में मुआवजना करें। अच्छा, ऐसे सवाल आ जाते हैं ना तो आपके पास लिखने का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। आपको चूंकि सिडनी के भी ऑलरेडी पॉइंट आते हैं, आपको एलियट के भी आते हैं, लेकिन इस दौरान में फिर आपने सिडनी का जब सवाल करना है तो वहां बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ेगा कि जो पॉइंट्स यहाँ यूज किएंगे ना इस सवाल में, वो आपने फिर सिडनी के सवाल में वो पॉइंट्स नहीं डालने हैं, क्योंकि फिर वो सवाल सेम लगने लग जाता है। इसलिए मैं बाजू का ये कहती हूँ कि दो राइटर तो उठाया ही ना करें एक बंदे के, तो अगर कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आपने उठाना तो दोनों का आप उठा भी सकते हैं। उसका दौर, इसका दौर, ये दोनों आपने बातें लिखनी होगी। अगर इन दोनों को कहता है क्लोजली देखें, वो भी रिवायतों की बात ही करता है हमारे सामने, एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तब हमसे बात करता है। अब हमें जनाब डिसएडवांटेजेस बताएं, वो नुकसानात बताएं कि अगर कोई बंदा सेंस ऑफ ट्रेडिशन, ये सेंस ऑफ ट्रेडिशन है ना, ये आपके एक क्वेश्चन में आनी है, सेंस ऑफ हिस्ट्री इसे कहेंगे, हिस्टोरिकल सेंस नहीं रखता तो उसका क्या नुकसान है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बताएं, इसके नुक्ता नजर बताएं। और ये भी एक बड़ी सी कोटेशन आ गई। कोटेशन को डेट करेंगे तो बात वही है कि जनाब इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट में उसने कहा क्या है, वही ये भी क्वेश्चन भी वही है। प्रोसेस पोइटिक बताएं, उसका शायर को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है जब वो शायरी करता है। ये जो ऐसे है ना ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, इसको कहा जा सकता है जनाब एक अनऑफिशियल मैनिफेस्टो। इसको निकाल के रखें, इसका मतलब होता है एक ऐसा मंशूर जो कि गैर सरकारी हो, गैर सरकारी एलानिया हो, ऐलान कर दिया गया हो लेकिन सरकारी तौर पर ना हो, गैर सरकारी तौर पर हो। एलियट ने जनाब क्या किया है, उसका क्रिटिकल क्रीड, वो बड़ा दीवाना था क्रिटिसिज्म का, अकीदा था उसका, क्रीड का मतलब होता है उसका बड़ा अकीदा था क्रिटिसिज्म के हवाले से। 4 वो क्या करता है, इट कंटेन्स और वो रखता है ऑल द क्रिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एलियट। बताएं जनाब एलियट के इस मैनिफेस्टो में सारे के सारे असूल बताए हैं, उसकी नुक्ता नजर के हिसाब से, उसकी नकाती के कैसे उसने तनकीद निकाली की है। तो यही हुआ है, 3 हिस्से हैं इस ऐसे के अंदर, इस ऐसे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से का नाम बताएंगे आप कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, बेशक इसे नंबर लगा के बता दे। दूसरे हिस्से का नाम है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट, ठीक है। और जो थर्ड वाला है ना वो शॉर्ट है, उसका नाम है कंक्लूजन। इसको बेशक आप 1 2 3 करके अपने पॉइंट्स लिखेंगे जब आप तो ऐसे लिखेंगे। टीएस एलियट ने ऐसे को अपना जब शुरू करता है, बिगेन्स करता है, तो पॉइंटिंग आउट करता है हमारे सामने वर्ड ट्रेडिशन, क्योंकि नाम जो उसका शुरू में ऐसे का नाम जो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट है, तो जनाब उसने लफ्ज ट्रेडिशन से ही सबसे पहले बात शुरू कर दी कि रिवायत होती क्या है। उसने कहा जनरली ये टर्म को सेंसर किया जाता है, इसको तनकीद की जाती है इस टर्म के ऊपर। लोग कहते हैं कि जो लफ्ज ट्रेडिशन है ना डिसएग्रीएबल टू द इंग्लिश ईयर्स, इसको निकाल के रखें। अंग्रेज सुनना ही नहीं चाहते थे कि माजी की कोई बात सुने, पुरानी कोई बात सुने, ठीक है। अंग्रेजों के कान ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये एलियट ने यहाँ से कह के बात शुरू कर दी। उसने कहा अंग्रेज सिर्फ उसी शायर की तारीफ करते हैं, उसी के काम की तारीफ करते हैं जनाब जिसके काम के अंदर उन्हें मोस्ट इंडिविजुअल और ओरिजिनल एस्पेक्ट्स नजर आए, शायर के अपनी नयापन नजर आए, उसकी इनफरादियत नजर आए, उसका अपना असलीपन नजर आए। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो हमारी जो बुक्स है ना, जो आपका मास्टर्स का सिलेबस है, उसमें भी तो इंडिविजुअल और ओरिजिनल काम दिया गया है। पैराडाइज लॉस्ट आपको चुन के दी गई, आपको रेप ऑफ द लॉक एपिक चुन के दी गई, वो मोक एपिक बेहतरीन थी, वो एपिक बेहतरीन थी। इसी तरह से आपको जितना भी काम लिटरेचर का, एरिस्टोटल अगर क्रिटिसिज्म में देख लें, एरिस्टोटल वहां ग्रीक का पहला बंदा है, सिडनी इंग्लिश का पहला बंदा है। और अगर टी एस एलियट को देखते हैं तो ये मॉडर्न तनकीद निगारों में से वो जिसे कहते हैं ना बेस्ट तनकीद निगार है। तो सारे आपको बेस्ट बेस्ट बंदे दे दिए गए हैं। अब आगे उसने फिर यही कहा कि अंग्रेज तो करते ही गए, उनके कान सुनना ही नहीं पसंद करते, डिसएग्रीएबल है उनके काम के ट्रेडिशन का लफ्ज भी सुन ले, और वो कहते हैं जनाब इंडिविजुअल काम को देखो, ओरिजिनल काम को देखो। और वो ये समझते हैं, ये इंग्लिश मैन ये सपोज करते हैं कि उनका चीफ जो मेरिट है ना, उनकी खूबी रहती ही उन्हीं हिस्सों में है जो उनका इंडिविजुअल और ओरिजिनल पार्ट है किसी भी शायर का। अब उसने क्या डिसअंडू, ये जो है ना ये एंड्यू कर देता है बेजरूरत स्ट्रेस, ये बिला वजह का दबाव इंडिविजुअलिटी पे क्या शो करता है कि इंग्लिश हैव एन अनक्रिटिकल बेंटो ऑफ माइंड, कि इंग्लिश के दिमाग में जनाब कोई बेंट नहीं है। द इंग्लिश हैव एन अनक्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड, यानी वो अपने दिमाग की इस तरफ झुकाव ही नहीं देते हैं कि वो इसके इंडिविजुअल के बंदे से हटके कुछ और देखें। वो शायर की तारीफें करते हैं, लेकिन तारीफें किस चीज की करते हैं, गलत चीजों की तारीफें करते हैं। अगर हम जायजा लें इन्हीं मैटरों, इन्हीं मामलात का क्रिटिकली, तो हम देख सकते हैं किसके साथ कि जनाब जो हमारे पोएट्स हैं, जो हमारे शायर जो काम कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं कामों का जायजा लें तो हम देखेंगे कि अनप्रिजुडाइज माइंड के साथ जायजा लेना पड़ेगा, हमें गैर जानिबदार होकर इस मामले को देखना पड़ेगा। और फिर हम रियलाइज करेंगे, यहाँ से आपकी बात बोल्ड है तो इसका मतलब ये आपने गौर से समझनी है, द बेस्ट एंड द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द पोएट्स वर्क इज दैट व्हिच शोज द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ द राइटर्स ऑफ द पास्ट। अब ये आपने कोटेशन याद करनी है। उसने कहा कि इंग्लिश के अगर राइटर का काम देखें तो वही काम बेहतरीन है जिसमें से उनके माजी के राइटर्स के साथ इन्फ्लुएंस नजर आते हैं, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस, यानी ज्यादा से ज्यादा उन पर असर नजर आता है। देखें शेक्सपियर को देखते हैं तो शेक्सपियर ने ड्रामे भी पुराने लोगों से मुतासिर होकर लिखे हैं। अगर हम एरिस्टोटल को देखते हैं, उसने अपने से पुराने को मुतासिर होकर लिखा। अगर हम नयों को देखते हैं तो उन्होंने पुराने को मुतासिर होकर लिखा। तो उसने कहा इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन पर असर होता ही है, ऑटोमेटिकली उन पर वो असर आ जाता है अपने माजी के राइटर का। आगे देखता है, कहता है इफ वी अप्रोच, अगर हम देखते हैं एक पोइट को जो काम करता है और वो विदाउट प्रिजुडाइज करे, इस लफ्ज को बार बार लिखिएगा क्योंकि इसने कहा कि अपने गैर जानिबदार होकर काम करना है। और अगर आप देखते हैं ऑफन फाइंड इट नॉट ओनली द बेस्ट, तो हम देखते हैं कि बेहतरीन चीज निकल कर सामने आती है अगर आप गैर जानिबदार होकर काम करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल पार्ट किसी भी बंदे के होते हैं मे बी दोज, वही हो सकते हैं इन विच द डेड पोइट्स, जहां पर उसके डेड पोइट्स शामिल हैं, जहां पर उसके इंसेस्टर्स शामिल हैं। अगर उसका बेस्ट पार्ट आपने निकालना है तो आपको डेड पोइट्स और इंसेस्टर्स के साथ निकलेगा। असर्ट करते हैं देयर इमोरलिटी मोस्ट विग्योरियसली, और हालांकि वो इस बात पे दावा देते हैं, इस बात पे कहते हैं कि जनाब ये जबरदस्त जो है ना बदफेली है कि आप जाके ना अपने इंसेस्टर का काम चुराएं। लेकिन इसने कहा कि ऐसा झलक मिलती है हमें हमेशा उनके कामों से। फिर इलियट यही समझते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो खूबी है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन की अगर लगा लेते हैं, इसकी मैं खूबी इस तरह से समझता हूं, यानी एलियट के मुताबिक वो कहता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेडिशन और वैल्यू, खूबी या अहमियत किसी भी रिवायत की कैसे है। एलियट कहता है मेरे मुताबिक जो ट्रेडिशन होती है ना डज नॉट मीन अ ब्लाइंड एडहेरेंस इन द वे ऑफ द पास्ट। ये आपने कोटेशन बनानी है, इसने बोल्ड नहीं किया, आप बोल्ड कर लें, क्योंकि उसने कहा कि मेरे लिहाज से मुताबिक ब्लाइंड एडहेरेंस वही उसकी अंधाधुंध पैरवी नहीं है, जैसे वो स्लेविश इमिटेशन नहीं है, ये मेयर रिपीटेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अचीव करती है समथिंग न्यू। ठीक हो गया। इसमें अब वो बिलीव करता है नोवेलिटी इज द बेटर देन रिपीटेशन, नोवेलिटी करें। कहता है ठीक है, आपने अगर ट्रेडिशन का, मैं आपको कहता हूँ जाके देखें, अब जरूरी नहीं है कि आप वहां पर जाएं और आप वहां जाकर अंधाधुंध पैरवी शुरू करते, अंधाधुंध आप उनकी नकल करें, बिल्कुल लकीर के फकीर हो जाए, उन्हीं की रिपीटेशन करें। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा उनसे थोड़ा सा जायजा लें और फिर नोवेलिटी, नई चीज बनाए। ठीक हो गया, एलियट के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। आगे वो कहता है ट्रेडिशन जो होती है ना पैसिव रिपीटेशन इज टू बी डिस्कर्ड। अब एलियट कहता है कि ट्रेडिशन अगर मैं देखूं ना मेरी सेंस के मुताबिक या किसी बंदे की, वो कहता है, यानी एलियट कह रहा है कि ट्रेडिशन को अगर आप सेंस के हिसाब से देखते हैं तो पैसिव रिपीटेशन है, आहिस्ता आहिस्ता रिपीटेशन करती है, और इज टू बी डिस्करेज्ड, और इसको क्या कहते हैं, इसकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए, हौसला शिकनी होनी चाहिए। अगर आप रिपीटेशन करते हैं तो उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। क्यों? रिपीटेशन को उसने कहा नो रिपीटेशन, नो स्लेविश इमिटेशन, नो ब्लाइंड एडहेरेंस, नोवेलिटी लेकर आए पुराने काम को देखते हुए। ट्रेडिशन के मैटर को अगर मच वाइडर सिग्निफिकेंस से आपने देखना है तो वो कहता है ट्रेडिशन के जो ट्रू सेंस है, जो असली ट्रेडिशन की समझ है ना, दैट टर्म कैन नॉट बी इनहेरिटेड, उसको हम कभी भी विरसा में नहीं पा सकते। ये आपको बोल ओल्ड में भी कोटेशन मिली है। इसको सिर्फ हासिल किया जा सकता है बहुत हार्ड वर्क के साथ। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये 3 लाइनें की कोटेशन है, बोल्ड हार्ड वर्क के साथ आप इस कोटेशन को अंडरलाइन करें, इसको ये आपने याद करनी है। Tradition is the true sense of the term, cannot be inherited. It can be obtained by hard labor. Hard labor से ले सकते हैं। लेबर, अब लेबर क्या, मेहनत होती है ना, मेहनत से लेना। और मेहनत क्या है, मेहनत आपको पता लगे कि आपने इलम लिया है, माजी के लिखारियों से कुछ इलम हासिल किया है आपने, फिर आपने उसको हासिल करने के लिए तनकीद की है, तनकीद की मेहनत की है, और फिर आपको पता चल गया कि क्या अच्छा है, क्या मुफीद है माजी में, माजी में क्या चीजें अच्छी हैं, माजी में क्या चीजें मुफीद है, आपने ये सारा जायजा ले लिया। फिर आपने क्या किया, आपने ट्रेडिशन के बारे में, फिर वो कहता है कि ट्रेडिशन कैन नॉट बी ऑब्टेन ओनली बाय दोज हु हैव हिस्टोरिकल सेंस, कैन बी ऑब्टेन। ये भी बड़ी बात आपकी समझने वाली है। कहता है वही लोग इसकी सेंस ले सकते हैं जिनके पास हिस्टोरिकल सेंस होगी, जिस बंदे को हिस्टोरिकल सेंस नहीं होगी वो कभी भी ट्रेडिशन के बारे में नहीं सोच सकता। इनफैक्ट ये टीएस एलियट खुद भी तो हिस्टोरिकल सेंस रखते थे ना, जॉन कीट्स के काम पर अपना काम करते थे, तो इनके पास हिस्टोरिकल सेंस थी, इसलिए इन्होंने इस सेंस के बारे में बात की कि इसका मतलब क्या होता है जनाब, ये परसेप्शन देती है, ये एक एहसास देती है, एक समझ इसमें मुलव्वस होती है। हिस्टोरिकल सेंस होता क्या है, वो एक समझ होती है। नॉट ओनली द पास्टनेस ऑफ द पास्ट, ये मैंने आपको कोटेशंस में दिया ना, बट आल्सो इट्स प्रेजेंस, लेकिन माजी के साथ माजी ही नहीं हाल भी शामिल हो। One who has the historic sense, जिसके पास तारीख को समझने की एक समझबूझ हिस्स होती है, फील कर सकता है, हिस्से वही है ना जो हम सूंघते हैं, चखते हैं, फील करते हैं, ये वही सेंस फिर महसूस कर सकती है कि होल लिटरेचर यूरोप फ्रॉम होमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन आपने याद करनी है, डाउन टू हिज डे, आज के दिन तक भी, इंक्लूडिंग द लिटरेचर ऑफ हिज ओन कंट्री। और हिस्टोरिकल सेंस के साथ साथ वो होमर का काम भी याद रखें, उससे लेके आज के दौर का इसका जो काम है, फिर मुख्तलिफ जो अशकाल आ रही हैं उन सब के साथ जो लिटरेचर कंटिन्यू हो रहा है, मुसलसल चलता जा रहा है, सारी की सारी वो खबर रखे। यानी होमर से लेके, यूरोप से लेके, अपनी कंट्री से लेके, अपने दौर से लेके, अपने दिन तक सारी अशकाल को समझे कि पिछले वालों ने काम क्या किया, फिर काम करें। अच्छी खासी हिस्टोरिकल बंदा बनाना चाहते हैं, फिर वो सोचते हैं कि पास्ट जो होता है ना, एग्जिस्ट इन प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में मौजूद है, माजी हाल में आता है। कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है, ये वो बात है कि प्रेजेंट, पास्ट एग्जिस्ट करता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट नहीं जा सकता पास्ट में, पास्ट आ सकता है प्रेजेंट में। बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट फॉर्म वन साइमल्टेनियस ऑर्डर, ये बहुत जबरदस्त एकदम से एक तरतीब बना देते हैं, दोनों जब मिलते हैं ये दोनों प्लस हो के तो एक ऑर्डर बन जाता है, एक तरतीब बन जाती है। अब इस हिस्टोरिकल सेंस में देखते हैं जनाब कि ये सेंस होती है टाइमलेस एंड टेम्पोरल, ये जो सेंस होती है ना, ये जो आपको हिस्टोरिकल सेंस दे रहा है, इसकी कोई वक्त की कैद नहीं, ये कोई आर्जी नहीं। अब बताना चाहता है कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिस जमाने में बैठा हुआ मैं, मुझ पर उसी जमाने का असर होगा, नहीं, पुराने जमाने के लोगों का भी आप पर असर हो और आप पर आर्जी असर हो। आप यही ना हो कि आप 100 साल पीछे चले जाए तो फिर आप पीछे ही रहें, आप दुनिया में एडजस्ट ही ना हो पाए। यानी आपको ये सेंस एहसास देती है कि टाइमलेस और टेम्पोरल क्या होते हैं, आर्जी और वक्ती तौर पर आने वाली सोच क्या होती है। जब आप हिस्ट्री से सारा कुछ सीखते हैं तो आपको ये पास्ट एंड प्रेजेंट इकट्ठा होकर मिल जाता है। एलियट कहते हैं कि मेरे मुताबिक ये जो हिस्टोरिकल सेंस है ना, एलियट के मुताबिक वो कहते हैं राइटर को ट्रेडिशनल बनाती है। वाकई हमें राइटर वो चाहिए जिसके पास माजी की कुछ तलखियों का तजर्बा होगा। राइटर जो क्या करता है, इसी सेंस के साथ वो पूरा बाखबर हो जाता है अपनी जनरेशन से। किस सेंस के साथ, हिस्टोरिकल सेंस। अगर ये हिस्टोरिकल सेंस बन के क्वेश्चन आता है ना तो भी आपका यही जवाब है, ट्रेडिशन बन के आता है तो भी यही जवाब है, ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल सेंस एक ही चीज है। आगे उसने कहा कि जनाब यही सेंस हमें क्या बताती है, नई जनरेशन, हमारे आज के दौर के लोगों का, अपने प्लेस का और इन प्रेजेंट और अब हाल में क्या चल रहा है, सब कुछ पता चल जाता है हमें हिस्टोरिकल सेंस से। फिर क्या पता चलता है कि जो सेम टाइम, जो एक ही वक्त था, ही इज आल्सो एक्यूटली कॉन्शियस, एक ही वक्त में वो बहुत ज्यादा बाखबर हो जाता है। कौन बंदा, जिसको वो सेंस मिल जाती है तो वो शिद्दत से अवेयरनेस हासिल कर लेता है अपने ताल्लुक की, किसके साथ, राइटर के साथ, ऑफ द पास्ट, जो माजी के होते हैं। एक पोइट ने जब वो काम करना, जब एक राइटर ने वो काम करना, तब वो पिछले के जाकर मुशाहिदा करता है तो फिर उनके साथ अपनी अटैचमेंट बना लेता है, तो उसका रिलेशन बन जाता है और वो कॉन्शियस रिलेशन बन जाता है, समझ बूझ के साथ वो चुनता है। लेकिन इसने अभी आके कुछ और भी आपको बताना कि ये ना जिसको आप पसंद करते हैं बस आप जाके उसी को चुन ले, ऐसा नहीं करेंगे आप। इन शॉर्ट में वो कहता है कि ये सेंस के अंदर होता क्या है, ये जो सेंस है इसके अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पॉइंट ए में कहते हैं आपको रिकग्नाइजेशन हो, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिटरेचर का पता हो कि लिटरेचर कितना चला, कहाँ से चला, कहाँ आया, क्या क्या तरमीम आई। हमने एरिस्टोटल को बनाना देखा ट्रेडिशन में, और जब वो चल रहा था ड्रामा ट्रेजेडी में कैसे तब्दील हुई, कैसे बदला, ये कॉन्टिन्यूटी चल रही थी, ये हमें रिकग्नाइजेशन होगी। फिर हमने क्रिटिकल जजमेंट की, हमने उसके अंदाजे लगाए, तनकीदी अंदाजे लगाए कि कौन सा राइटर था माजी के अंदर, इज स्टिल सिग्निफिकेंट, उसकी अभी तक मौजूद है अहमियत हाल में भी, ऐसा कौन सा राइटर था। पहले हमने समझा कि लिटरेचर कॉन्टिन्यूअल है, चल रहा है, फिर हमने अंदाजा लगाया कौन सा राइटर है जिसकी अहमियत पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी है। शेक्सपियर की अहमियत देख लें, अभी तक चल रही है, 600-700 साल हो गए उसे। एरिस्टोटल की अहमियत देख लें, 4000 साल हो गए, अभी भी चल रहा है, उसका ये सारा जो नॉलेज है। तो हमने यहाँ से अंदाजे लगाए। आगे कर लेते हैं कि नॉलेज वो करते हैं ना, ये जो इलम होता है सिग्निफिकेंट कर देता है राइटर को थ्रो हार्ड एंड पेन स्केटिंग एफर्ट। अब पेन स्केटिंग एफर्ट पे वो होती है जो आप अपने अपना दाव भी लगा देते हैं ना सारा कुछ। जब राइटर, जब लिखने वाला ये सारी सिग्निफिकेंट राइटर्स की मालूमात लेता है ना, तो वो बड़ी पेन से गुजरता है, उसको बड़ी खोज करनी पड़ती है, उसके बाद उसको जाकर ये सारी की सारी इलम हासिल होते हैं। अगर आपने हिस्टोरिकल सेंस लेनी है तो आपने ये 3 काम करने हैं, आपने बंदे देखने हैं, आपने लिटरेचर देखना है कि वाकई वो टर्म अब चल भी रही है कि वो टर्म खत्म हो चुकी है, ये जो है उसकी अफादियत अभी भी उतनी ही मौजूद है कि नहीं मौजूद है। और इसके लिए तो फिर आपको पता है ना स्टेकिंग पेन लेनी पड़ेगी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी खासी जाती मफादात को साइड पे रख के आपको ये काम करना होगा। स्टेकिंग एफर्ट्स का मतलब यहाँ आ जाएगा। ट्रेडिशन में कहता है जनाब हमारे सामने क्या होता है, एक्यूमुलेटेड हो जाती है विजडम, विजडम आके सारी की सारी जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और फिर हमारे तजुर्बात जो एजिस के होते हैं, कई कई सदियों के तजुर्बात, वो हमारे सामने ट्रेडिशन की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर नॉलेज, उसका इलम जो कि बड़ा ही जरूरी हो जाता है और रियली ग्रेट बन जाता है एंड नोबल अचीवमेंट, और बहुत ज्यादा अचीवमेंट भी बन जाती है हमारे लिए। जब हम ये सारी चीजें देख लेते हैं तो हमें वो अचीवमेंट भी मिल जाती है, हमें वो एजिस का भी पता चल जाता है और हमें इस सेंस के बारे में आगाही भी हो जाती है।